यरोमन अन्यंग अश्मिका। हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल से सोशल मीडिया पर हर तरफ मायूसी छाई हुई है और जिस दिन के आने से ग्लोबल आर्मी डर रही थी वो दिन आ ही गया। यानी कल हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम किम सोक जिन ने मिलिट्री सर्विस में जाने के लिए अपना हेयर कट करा लिया है, जिसे देखकर मेरे जैसी लाखों आर्मी का तो जैसे दिल ही बैठ गया है। इसके साथ ही कोरियन गवर्नमेंट ने भी किम सोक जिन की सर्विस को लेकर ढेर सारे इंस्ट्रक्शंस भी रिलीज कर दिए हैं, जिसके बारे में एज अ आर्मी आपका जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आपके साथ ये सारी न्यूज शेयर करूं, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे BTS की कोई भी न्यूज आपसे मिस ना हो। दोस्तों, हमारे जो भी प्रिटी आर्मी रेगुलर BTS की न्यूज से अपडेटेड रहती है उसे तो ये पता चल ही गया होगा कि कल 13 दिसंबर को हमारे किम सोक जिन ओप्पा अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करने वाले हैं, जिसकी अनाउंसमेंट हाई प्लेविस और किम सोक जिन ने खुद की थी। वहीं कल शाम को वीवर्स ऐप पर किम सोक जिन ने अपनी हेड शेप की हुई पिक्चर शेयर की, जिसे देखने के बाद से आर्मी काफी लो फील कर रही है। हालांकि जिन ने इस पिक के साथ कैप्शन में लिखा इट्स क्यूटर देन आई थॉट, यानी जिन ने लिखा मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा क्यूट लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया के जिस एरिया में किम सोक जिन की अपॉइंटमेंट होने वाली है वहाँ काफी आर्मीज ने होर्डिंग और बैनर्स लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसके अलावा काफी इंटरनेशनल आर्मी भी जिनको सी ऑफ करने आ रही है, जिसे देखते हुए कोरियन गवर्नमेंट ने किम सोक जिन की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। साथ ही जिस दिन किम सोक जिन अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करेंगे उसी दिन 200 अदर कोरियन पीपल भी अपनी सर्विस ज्वाइन करेंगे, जिनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखा गया है। इसलिए कोरियन गवर्नमेंट ने ओपनली ये अनाउंसमेंट कर दी है कि किम सोक जिन को किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं है और उनकी सर्विस के 2 किलोमीटर तक किसी भी पर्सन को विदाउट पास एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी जो पर्सन अपनी मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं उनकी फैमिली और फ्रेंड्स जिनके पास एंट्री पास होंगे उन्हीं को अंदर जाने की परमिशन दी जाएगी। दोस्तों, यहां आपको ये भी बता दें कि BTS जिनकी ये सर्विस 13 दिसंबर से स्टार्ट होकर 18 मंथ तक चलने वाली है, यानी किम सोक जिन 2024 जून के बाद अपनी सर्विस से फ्री होंगे। हालांकि इसमें टाइम कम या ज्यादा भी हो सकता है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हमारे जिन ओप्पा इस टाइम पीरियड में कितनी लीव लेते हैं। वेल, हम तो BTS जिन को अपनी के ड्रामा दोस्त फैमिली की तरफ से बेस्ट विशेस देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अच्छे से अपनी सर्विस कंप्लीट करके वापस आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सारंगे हो।